Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic Evolution of Political Geography. यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी के किस सब फील्ड का ये एक पार्ट है, या एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है या एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है. साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करके पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक कंटेम्प्रेरी रोल प्ले कर रही है, कितने स्टेजेस को उसने क्रॉस किया है और कब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ या फिर बर्थ हुआ, या हम कह सकते हैं कि कब हमें पता लगा कि ये भी एक फील्ड है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बोथ स्पेशल अनइवन आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स. ये दो पॉइंट है जिसके अराउंड हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिवॉल्व करती है. इनका मतलब एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है. और अगर हम बहुत ईजी वे में बात करें तो ये एक यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ज्योग्राफी है वो पॉलिटिकल साइंस को अफेक्ट करती है या पॉलिटिकल स्टडीज़ को अफेक्ट करती है, और किस तरीके से जो कुछ पॉलिटिकल थिंग्स हैं वो ज्योग्राफी को अफेक्ट करती है, या ज्योग्राफी के जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करती है. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं. स्पेशल अनइवन आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, यानी कि सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडी करेगा कि क्या कुछ स्पेशल अनइवन आउटकम्स हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से. यानी कि ऐसा कुछ है कि कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हो, कुछ अनइवन आउटकम्स आ रहे हो. पहला तो हम ये स्टडी करते हैं. दूसरा हम ये स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कि कहीं ऐसा हो रहा हो कि ज्योग्राफी या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर जो हैं, यानी कि ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी कहीं अड़चन बन रही है पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर. यानी कि कहीं ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं कर रही. ठीक है, तो ये चीज़ की जो स्टडी है ये हम करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर. हम इसे समझते हैं. पॉलिटिकल ज्योग्राफी अडॉप्ट्स अ थ्री स्केल स्ट्रक्चर. यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर एक स्ट्रक्चर लेयर ऑफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं. यानी कह सकते हैं कि टॉप पे जो है उस लेयर की स्केल के जो टॉप पे है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, देन द स्टेट एंड देन फाइनली द लास्ट वन लोकेलिटी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी एज अ सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ अ लॉन्ग बट नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री. इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है जो कि जिसकी खुद की एक लंबी हिस्ट्री है, बट एक अलग हिस्ट्री नहीं है. समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल, इसका मतलब बेसिकली यही है सिंपली कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का बर्थ तभी हो गया था जब ह्यूमन ज्योग्राफी का इन्वेंशन हुआ था. यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी. यहाँ टर्म्स की बात नहीं हो रही, यहाँ समझाया जा रहा है कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी को हमने समझा कि ज्योग्राफी के दो फील्ड हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी, तो जब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्वेंट किया, उसको पहचाना, तब ही हमने उसके एक पार्ट को भी डिवाइड कर दिया था जो था पॉलिटिकल ज्योग्राफी. आगे यही लिखा है, बर्थ ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज बर्थ ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी. डेफिनेटली ये एक कनेक्टिंग लिंक है ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के बीच में, कि किस तरीके से जो ज्योग्राफी है वो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है और किस तरीके से पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पे भी डिपेंडेंट होता है. पॉलिटिकल ज्योग्राफीज की कंसर्न्स रिवॉल्व अराउंड स्पेस प्लेस टेरिटरी ऑन द अदर हैंड इशू ऑफ पॉलिटिक्स पावर एंड पॉलिसी. यानी कि ज्योग्राफी की क्या क्या कंसर्न्स होती है, स्पेस प्लेस एंड टेरिटरी, एंड पॉलिटिक्स की क्या क्या कंसर्न होती है, पॉलिटिक्स पावर एंड पॉलिसीज. तो इन दोनों जो कंसर्न, ये जो दो हमारे की कंसर्न्स हैं, इन दोनों का जो इंटरलिंकिंग या इन सबको आपस में मिलने से जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं उनको स्टडी हम करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर. आगे है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी. किस तरीके से आप इसको समझेंगे कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है या फिजिकल ज्योग्राफी का.
फिजिकल ज्योग्राफी क्या करेगा, डिलिनिएट करेगा रीजन्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड टोपोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है. पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफिकल एरिया को पॉलिटिकल डिवीजन्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट उनको करेगा. सो सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो जो सब्जेक्ट मैटर उसका जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में ही कहीं ना कहीं रिसाइड करता है. आगे है, देर आर बेसिकली फोर स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ पोलिटिकल ज्योग्राफी सिंस द लेट 19th सेंचुरी. आगे जो ये हम फोर जो हम स्टेजेस पढ़ेंगे यही एक कोर है इवोल्यूशन ऑफ पोलिटिकल ज्योग्राफी का. ये फोर स्टेजेस हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस किस टाइम पे किस किस लेवल की पोलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर डेवलपमेंट आई होगी. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो है 1897 to 1914 का एरा, ठीक है. इसमें क्या हुआ है, इम्पीरियल राइवलरी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन यूएसए जर्मनी एंड अनदर कंट्रीज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सीन, अर्बनाइजेशन इज सीन. ये जो एरा है इसके अंदर एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो मतलब उस कंसेप्ट का इन्वेंशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि इन ये चीज़ें भी हमें करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन. तो यहाँ पे एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर आ गई है, ठीक है. क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो इस टाइम पीरियड के अंदर क्रिएट हुआ है. रेडजल, हेल्फोर्ड एंड एंड्री ये कुछ हमारे पॉपुलर ऑथर रहे हैं इस टाइम पीरियड के या इस स्टेज के, स्टेज वन के. और इस स्टेज के अंदर हमने क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि अगर आपको थोड़ा टाइमलाइन ध्यान हो तो यूएसएसआर का जो क्रिएशन था वो इसी स्टेज में हुआ है. स्टेज टू इज़ फ्रॉम 1915 to 1949. अब ये जो टाइम पीरियड है ये सिंपली एक वर्ल्ड वॉर एरा है. वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू दोनों की दोनों इस स्टेज में हुई है. सेकंड पॉइंट इज कॉन्सिक्वेंट रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड मैप, ठीक है. तो जो भी कंट्रीज है फाइट कर रही है, किसी कंट्री का हिस्सा किसी कंट्री में जा रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड था इस टाइम पे वर्ल्ड मैप जो है ना उसमें कंटिन्यूस रीमेकिंग हमें देखने को मिली है, कि जो वर्ल्ड मैप है वो कहीं फिक्स नहीं है. कभी कोई कंट्री का पार्ट किस कंट्री, मतलब कोई किसी ने उसको जीत लिया है, कोई फाइट वॉर में जीत लिया है. तो जैसे भी हमने देखा, नोट किया कि इस स्टेज पे रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड मैप भी हमने नोटिस किया. यूएसएसआर एंड बायपोलर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से फेमस है. हेल्फोर्ड सेम ऑथर इधर भी होंगे. आगे है स्टेज थ्री, द ईयर 1950 to 1973-75. ये जो स्टेज थी इस टाइम पे जो कंट्रीज थी वो अभी अभी वर्ल्ड वॉर्स के बाद में एक नया एरा स्टार्ट करने वाली थी. तो थोड़ा रिलेटिव सोशल स्टेबिलिटी थी बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, और रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने नोटिस किया कि इस टाइम पीरियड पे जो कंट्रीज़ हैं वो अपने जीडीपी को स्ट्रॉन्ग या बूस्ट देने के लिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिडली कोशिश कर रही है कि रैपिडली ग्रोथ हम इस सेक्टर में करें. सोशल स्टेबिलिटी या जियोपॉलिटिकल राइवल बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, ये जो राइवलरी है वेस्ट और ईस्ट के बीच में ये अभी तक कंटिन्यू है वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद भी. चैलेंजेस टू यूएस हेजेमनी बाय द एंड ऑफ द पीरियड, ये क्या है कि इस जो एरा है ये यूएस की हेजेमनी का एंड भी माना जाता है, और देखा जाता है कि बाकी कंट्रीज़ भी उतने ही बूस्ट के साथ में ग्रो कर रही थी. और अब जो हमें लगता था कि एक किंग है पूरे वर्ल्ड का यूएस, यूएस की जो हेजेमनी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है. इसके अंदर जो हमारे ऑथर रहेंगे वो होंगे हमारे रिचर्ड स्टीवन जॉन्स जीन. एंड फाइनली द फोर्थ स्टेज, दैट सिंस 1973-75. ये जो स्टेज है जो अब तक जो 2024 भी इस स्टेज के अंदर आता है, तो ये जो स्टेज है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इपॉच है. ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ एज अ होल, ये जो टाइम है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बूस्ट हो चुकी है. अब ये जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का है, इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने का, और सोशल लाइफ एज अ होल इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करने का. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इस टाइम पे हो चुका था एंड सोशलिस्ट सिस्टम का भी एंड हो चुका है. डेविड, पॉल एंड जॉन एंड केविन,
ये जो हैं इस स्टेज के हमारे चार मेन ऑथर रहेंगे। हाँ जी, तो ये जो सब कुछ है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इवोल्यूशन का एक समरी हमने पढ़ लिया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, वो किस चीज़ से कंसर्न है, किस तरीके से ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशन हमने देखा, और साथ के साथ हमने देखा कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है या फिजिकल ज्योग्राफी का किसका पार्ट है, इसको हमने एक गुड एग्जाम्पल के साथ भी समझा। और फाइनली जो एक मेन पॉइंट है इस सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट का, वो ये है, ये फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आए। बर्थ तो इसका उसी टाइम हो गया था जब ह्यूमन ज्योग्राफी का बर्थ हुआ था। स्टेजेस में डेवलपमेंट हमने देखी और चार स्टेज देखी। फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि ग्रेट ब्रिटेन यूएसए एंड जर्मनी के बीच में बहुत एक इम्पीरियल राइवलरी है, सब टॉप पे आना चाहते हैं, बट एनी हाउ यूएसए जो है वो स्टिल टॉप पे है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हमने देखी, और क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट हमने इसमें देखा। वर्ल्ड वॉर टू जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो हमारी सेकेंड स्टेज में आएंगी, और इसके अंदर हमने नोट किया कि जो वर्ल्ड मैप है वो काफ़ी बार रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, और बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का हमने इसके अंदर एक सिस्टम देखा। थर्ड स्टेज के अंदर हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद में अब कंट्रीज़ डेवलपमेंट की साइड जा रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ एक अपना स्टेप बढ़ा रही हैं, सोशल स्टेबिलिटी आ गई है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो स्टेज है, यहाँ पे हमने देखा कि यूएस की हेजिमनी का एंड हो चुका है, एंड द फाइनल स्टेज विच इज़ द करंट स्टेज ऑल्सो, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एक मेन चीज़ है, और दूसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन का अब हो गया, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हैं प्रॉपरली। ग्लोबलाइजेशन भी अब के टाइम में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, बट उनके ग्लोबलाइजेशन के भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। थैंक यू।